फ्रेंड कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जेंट स्वेटर का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन, जिसे डालने के लिए हमें दो के मल्टीपल से फंदे लेने होते हैं। और दो के मल्टीपल से फंदे लेने के बाद हमें अपना बॉर्डर बना लेना है। और ये जो डिज़ाइन है हमारा, ये हमारा उल्टी साइड से शुरू होगा। तो देखिए, पहला फंदा हमने ऐसे ही स्किप कर लिया है और दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। स्टार्टिंग में हमने दो फंदे उल्टे बना लिए। देखिए, एक फंदा हमने ऐसे ही उतार लिया, दो फंदे उल्टे बना लिए। अब देखिए, ये दो फंदे हमें इकट्ठे बुनने हैं एक साथ में, और इन दो फंदों से हमें तीन फंदे बनाने हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए ये हमारे तीन फंदे बन गए हैं। अब देखिए, आगे हमें दो फंदे उल्टे, फिर से दो फंदे एक साथ बुनने हैं, और इन दो फंदों से हमें तीन फंदे बनाने हैं। देखिए, दो फंदे, एक फंदा दूसरा हमने लपेट किया और तीसरा फंदा ऐसे। तो इसी तरह से हम अपना ये डिज़ाइन जो है पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, दो फंदे एक साथ बुनेंगे और लूप एक ऊपर धागा चढ़ाएंगे और फिर हम एक और निकालेंगे, तो तीन फंदे। अब देखिए, एक दो, इस तरह से ये चढ़ाया धागा और ऐसे बुन दिया, तो तीन फंदे बन गए हमारे एक ही फंदे से। देखिए, दो फंदे उल्टे और दो फंदे एक साथ, ऐसे एक बार बुना, फिर लपेट लिया, फिर एक बार और बुन दिया, फिर दो फंदे सीधे, ये फंदे भी हम सीधे बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की पहली रो कंप्लीट हो चुकी है और ये उल्टी रो है। अब सेकंड रो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन की हमारी दूसरी रो है, ये हमारी सीधी रो है, वो उल्टी रो थी। अब देखिए, सबसे पहला फंदा तो हम ऐसे उतार लेंगे, और ये देखिए, ये वाला फंदा जो है इसको हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, दूसरी सिलाई में डाल लेंगे इसको हम इधर। अब देखिए, ये जो दो फंदे हैं, ये वाले फंदे जिनके पास से हमने ये डिज़ाइन को इसको स्लिप किया है, इनको हम सीधा बुन लेंगे, दोनों फंदों को एक एक करके। ये जो फंदे हैं दो, इनको एक एक करके बुनना है हमें। देखिए इस तरीके से हम इन्हें बुन लेंगे, एक एक करके दोनों फंदों को बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इनको बुन लिया, और जो ये स्लिप किया हुआ फंदा है, जो हमारा ये वाला इधर वाला जो स्लिप करके हम इधर लेके गए हैं, इस फंदे को हमें इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है इस तरीके से। फिर से हम अपने दो फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए, और ये वाला जो फंदा है स्लिप किया हुआ, ये हम इधर स्लिप कर लेंगे पहले इसको, और फिर हम दोनों फंदों को बुन लेंगे। अब देखिए, इसको यहाँ से इस फंदे को, पहले हम इस फंदे को स्लिप करेंगे जो हमने डबल लपेट की थी, वो जो हमने फंदे को जाली के टाइप डाला था, मतलब जो लपेटा था, इस तरह से हम इसको छोड़ देंगे फंदे को। अब देखिए, फिर से दो फंदे हमने सीधे बुने जो हम आगे की साइड उल्टे बुन रहे थे। अब जो ये हमने ये लपेट रखा है धागा, इसको हम पहले इधर लेके आएंगे फंदे में, फिर हम दो फंदों को सीधा बुन लेंगे, और जो ये फंदा है इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें ये फंदा जो है, जो हमने लपेटा था, ये इधर उतार दिया। अब फिर से देखिए, दो फंदे हमारे सीधे। अब ये देखिए, ये वाला फंदा हमारा लपेट वाला है, इसको हम पहले यहाँ ले लेंगे सिलाई में, फिर दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब देखिए, सिलाई में लेने के बाद इस फंदे को हम ऐसे उतार देंगे, देखिए इस तरीके से। अब फिर दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, उधर हम ये फंदे उल्टे बना रहे थे, इधर हम सीधे बना रहे हैं। अब देखिए, इसको हमने बिना ये जो लपेट वाला फंदा है, इसको हम सबसे पहले इधर लेके आएंगे और फिर इनको सीधा बना लेंगे,
सीधा बनाने के बाद ये हमें दिख रहा है इधर से, तो इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर से इनको सीधा बनाएंगे। और ये वाला जो फंदा है स्लिप वाला, इसको हम उतार लेंगे। देखिए दो फंदे सीधे, लास्ट वाला फंदा भी सीधा। अब देखिए हमारे डिज़ाइन की दो रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी डिज़ाइन जो है ज़्यादा नज़र नहीं आएगा एक आध सिलाई में। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन की हमारी तीसरी रो है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए जहाँ पे डिज़ाइन डाला था उसको अब हम सीधा बनाएंगे, और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन नहीं था। तो देखिए उल्टी तरफ से ही डिज़ाइन शुरू होता है, तो ये तीसरी रो है। इस तरह से बना लिया और ये दो फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये जो फंदे हैं दो, इन पर हम डिज़ाइन डालेंगे। दो का एक बनाया तो फिर चढ़ाया और ऐसे बना लिया, दो फंदे उल्टे। देखिए इन पर इस तरह से, तो डिज़ाइन की तीसरी रो है। जहाँ पे हमारा डिज़ाइन है वो फंदे हम सीधे बुन लेंगे, और जहाँ पर डिज़ाइन नहीं है उन पर हम डिज़ाइन डाल लेंगे। डिज़ाइन जो है बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है, एक बार में ही डिज़ाइन आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए इस तरह से जहाँ पे हम आपको धागा दिख रहा है पीछे एक साइड, वो हमारे फंदे वो हैं जिन पर डिज़ाइन नहीं डालना है। और देखिए जिन पर डिज़ाइन डालना है, सबसे पहले हम फंदा बुनेंगे, दो फंदे बुनेंगे, फिर तीसरा लपेट, फिर एक और फंदा बुन लेंगे। ये फंदे हम सीधे बना लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा सीधी सिलाई बना दी। ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी रो है। अब देखिए डिज़ाइन की चौथी रो। सबसे पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे, इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे। अब देखिए जो हमने ये धागा चढ़ा रखा है इसको हम ऐसे इस सिलाई में ले लेंगे, स्किप कर लेंगे। अब इन दोनों फंदों को बुन लेंगे, दो फंदों को आराम से बुन लेंगे। अब देखिए ये जो हमने ये धागा चढ़ाया था इसको आराम से इसके ऊपर से उतार देंगे। देखिए फिर जो दो फंदे हैं आगे इनको बुन लेंगे। अब देखिए ये जो था पहले ये स्लिप किया हुआ फंदा इधर इसमें लेंगे धागे में, और यहाँ पे ऐसे बुनेंगे, और बुनने के बाद ये धागा ऐसे उतारेंगे। देखिए दो फंदे सीधे बुन लेंगे, और देखिए स्लिप किया हुआ फंदा ऐसे उतार लेंगे। और ये जब ये फंदे हम बुन लेंगे तभी स्लिप किया हुआ फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। देखिए दो फंदे बिना हमने ये सिंपल बनाए हैं सीधे, और ये जो हमारी ये हमने जो धागा चढ़ाया था दो फंदों के ऊपर, इसको हम इस सिलाई में ले लेंगे और दो फंदों को बुनेंगे। और ये देखिए जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसके ऊपर से उतार लेंगे। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए तो इसको बिगनर भी आराम से बना सकते हैं। दो फंदों के मल्टीपल से डिज़ाइन है, और सिंगल कलर डिज़ाइन भी अच्छा लगता है, डबल में भी बना सकते हैं। देखिए देखिए दो फंदे सिंपल सीधे बुनने हैं। अब ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन है, तो ये जो हमने फंदा तीन फंदे ये दो के तीन बनाए थे, और एक फंदा जो हमने स्लिप किया था उसको भी हम इसी तरह से उतार लेंगे। ये देखिए ऐसे उतारेंगे पहले, फिर दो फंदों को बुन लेंगे। दो फंदों को बुन लेंगे, और बुनने के बाद
देखिए बंदों को बुन लेंगे, इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन है ये डलने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। जब आप इसे थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन नज़र आएगा। देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से लिखता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो और कैसा लगा डिज़ाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।